जुगो जुगो अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दा समा असी प्राप्त किया है। अजे हुणे गुरुद्वारा साहिब जी दे रोजाना दे दीवान जिवें चलते ने उन्हां विच प्रभात समय दा जमाती नितनेम आसा की वार उहदा संपूर्ण कीर्तन होया है। अरदास की शमूलियत दे नाल पवित्र पावन गुरुवाक गुरबचन हुक्मनामे दे रूप विच सानू प्राप्त हो रहा है। पाठ असी अजे हुणे सरवण कर लिया है। हुण बणदे समय विच इन्हां गुरवाकां दी गुरबचनां दी असीं तकरीर करांगे। मर्यादित ढंग दे नाल विचार दा आगाज करदे हां। दास द्वारा बुलाए गए फतेह परवान होए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन गुरुवाक राग वडहंस विचों आ रहा है। समुचा सिरनावा वडहंस महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वडहंस राग विच गुरु रामदास पातशाह इन्हां बचनां नूं उचार रहे ने। नानक जोता चौथा जामा कर दूजा गायन करने लई हिदायती संकेत ने। जदों इस बचन नूं वडहंस विच गाउणा है ते थाप गोचरे ताल गोचरे दूसरे कर नूं प्रयोग विच रखना है। एक ओंकार सतगुर प्रसाद इष्ट दा मंगल है। मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है। अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है जिस दी प्राप्ति सिद्धि या साडी सुरत करके जिहदे नाल सांझ सतगुर प्रसाद सच्चे गुरु की बख्शिश नाल हो सकती है। इष्ट दा मंगल है मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप जो कि सैकड़े सैकड़े बार बाणी विच आउंदा है। अगे वाक प्रारंभ हो रहा है। छंतां दा बचन है। लमेरा शब्द आ पदा वा पदा असी इस पावन बचन दी विचार करांगे जिवें समा सानू अलाउ करेगा उहदे अकॉर्डिंगली वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग दीज लाइन्स ऑफ दिस शब्द। महाराज बयान करते हैं कि मैं मन तन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावां। हरी दे दर्शन की गल बाणी विच गाहिब गाहे पढ़ने आसी। रब दे दर्शन रब दे दीदार हरी प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख ओ पार ब्रह्म देयर सो मैनी डिफरेंट नेम्स बट है एक कॉन्सैप्ट कि जिहदे विच महाराज ने कहा कि असीं उहदे नाल सांझ पाउणी आ उहदे दीदार पाउणे ने। यह भी सच है कि बाणी ने जिस तरीके नाल हरी दी करतार दी रब दी यस एग्जिस्टेंस दी होंद दी गल कीती है वह किसी शकल सूरत नहीं है किसी खास शकल सूरत स्पैसीफिक शेप या स्पैसीफिक किसी खास किस्म के नक्श नुहार नहीं। जे इस रूपे देखते हैं तो बाणी च असीं किन्नी वारी बचन पढ़े ने एक अंकार निराला अमर अजोनी जात न जाला अगम अगोचर रूप न रेखिया। अगम अगोचर है कोई रूप रेखा नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि स्पेसिफिकली एवें दा रब आ इस तरीके दे उहदे रब दे अक्ष नक्श ने उहदे इस तरीके नाल दर्शन करने ने। हाँ ये जरूर है गाहिब गाहे गुरु महाराज ने बाणी विच लिखिया आ कि वह करतार किते होर नहीं इस संसार दे जर्रे जर्रे च मौजूद आ। जिवें असीं बचन पढ़ते हाँ सभै कट राम बोलै रामा बोलै राम बिना को बोलै रे। भाई सब हिरदिया च उही ते बोल रहा आ
सब तो उदे तो बिना होर किड़ी चीज आ जिहड़ी इस जीवन की तस्वीर नो रुमक रही है, जीवन दहिंदे आ जिहड़ी जीवन के रूप वरत रही है चार चपेरे। साहब ने कित इस तरह भी बयान किया, ये जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर, हरी तो बिना होर कुछ भी नहीं जापदा, हरी ही है। ये जो बोलत हैं मृग मीन पंखेरू, मृग धरती ते तुरन वाले जीव, मीन पानी विच रहन वाले जीव, पंखेरू असमानी उड़न वाले जीव, की जल की थल ते की असमान, सब जगह ते उहदी उही विद्यमान आ, उहदी ही होंद आ। सो अहसास ये कराया गया कि वह तो सर्वस्व मौजूद आ। मुकदी गल ये है बाणी विच असी पढ़ लईए, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई, भाई सब गोबिंद ही रूप आ, उस तो बिना कोई होर रूप की कहांगे। महाराज गुरु नानक साहब आरती का शब्द उचार दे ते बयान कर दे, हे परिपूर्ण तेरी आरती साढ़े वस की खेड नहीं है, क्योंकि तेरी आरती तो तू आप ही करेगा या तेरी कुदरत करेगी, ते तेरी कुदरत तेरी आरती दे विच हर वक्त लगी है। गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन जबरो करे, सगल बनराए फुलंत ज्योति, कैसी आरती होए पवखंडना, तेरी आरती कहो जी आरती होए पवखंडन। तेरी आरती ते वास्ते ते है कि असमान वर्गा थाल कौन बना लवेगा, गगन मैं थाल रव चंद दीपक, रवि सूरज चंद चंद्रमा, सूरज ते चंद्रमा वर्गे दीवे कोई किवें बाल लेगा। मौलिक गल ये है, एक कायनात दा सारे दा सारा पसारा तेरी इबादत विच आ, तेरी बंदगी विच आ, तेरी भगती विच आ। मैं इस भगती नूं असल च विटनेस कर रहा, तो यह समझ मेरे अंदर आ जाए कि इस भगती दा जिहड़ा मेरा पार्ट आ वह की है। ये शब्द अगे जा के शिंगार दियां गल्लां होणगियां, क्योंकि मजाजी रंग दे विच हकीकी तस्वीर समझाई जा रही है। रूहानी रिलेशनशिप उस परिपूर्ण दे नाल, उस जोत नाल जो साडे अंदर ही मौजूद आ, उसनों एक तन ते पिर दे तसव्वुर दे विच समझाया जा रहा है। सो साहब जिहड़ी बात करदे कि करतार तेरी इस वड्डी पूजा अर्चना दे विच मैं अपने आप नूं सिर्फ अपना रोल पछाण के लगावां, यही मेरे हिस्से आवे, मैं किसी होर तरीके नाल अपने आप नूं ना ते किसी फेक कस्टम नूं फॉलो करन लग जावां, जिवें लोक पुराने समय पूजा अर्चना करते हुंदे सी, इवन अज भी करते हैं कई रूपां दे विच। पर बाबा जी ने कहा गल ये है कि उहदी आरती उहदियां पूजा अर्चना की करांगे, दूसरा उहदी कोई शकल सूरत बना के उहनूं कहा जाए कि यह मेरा रब है, ये मेरा नाथ है, ये मेरी पर मेरे परमात्मा की तस्वीर आ। बाबा जी ने बयान किया हकीकत यह है कि सहस तब नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नन्ना एक तोहे। भाई हजारा हजार अखा ओदिया ने, एक भी अख ओदी नहीं गई, हजार हजार मूर्त ओदिया ने, एक भी मूर्त ओदी नहीं। किस मूर्त विच वेखेगा उसनों, वो मूर्त होके भी अमूर्त है, वह अखां विच बैठ के भी अदृष्ट आ। इस रूप दे विच महाराज कहिंदे उसते उस निर्गुण रंग नूं अपनी सुरत च पाई जा, ते फिर जिहड़ा करतार आ उहदे दीदार पई उते सारी कायनात विच होने चाहीदे ने। वह तेरे अंदर भी है, तेरे बाहर भी है। बचन सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूर्त नन्ना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गंध ए विचलत मोही। हकीकत यह है किस पद दे उत्ते, किस तेरे चरणा दे उत्ते, किस तेरे चिहन दे उत्ते मैं नतमस्तक होवां, सब चिहन तेरे ही ने महाराज। आखिरकार मेरे मनन वास्ते की है, तो गुरु नानक साहब ने कहा मनन वास्ते तो यही है कि सब मैं जोत जोत है सोए,
तिस दे चानन सब मैं चानन होए। भाई सब दे विचो जोत आप ही है, तिस दे चानन ओदे चानन सदका ही सब मैं चानन होए। सब विचो दी जोत जीवन तड़क रहा है, दर्शन ते उस जोत देने, दर्शन ते उस होन देने जो होंद चार छपेरे बिना किसी विथ विथ करे तो, जिन्हों सी एक्यूरेटली एंड विदाउट गैप एक रूपता दे विच अविथ एक रस हो के जो व्याप रही है, ओदे दीदार ने ओदे दर्शन ने ते ओदे दर्शनां दी तांग बाबा जी कहिंदे तेरे अंदर होनी चाहिए है। अदरवाइज तू एक बहुत छोट अकारी सोच मेर तेर दे उस चक्कर च पै जाएगा जिदे अंदर कुछ सही लगेगा कुछ गलत लगेगा, कुछ अपने लगने कुछ बगाने लगनगे। उस तरीके दे नाल बंदा एक छोटे विवेक दे रूप में जिएगा तो उहदे विच फिर दुख भोगेगा। महाराज कहिंदे मेरी अरदास है मालक मैनू विजनरी बना दे, मैं तेरी जोत दा एहसास कर सकां, दर्शन कर सकां, उहनू उहदे दीदार पा सकां। इत्थों यह बचन शुरू हो रहा है, मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावां। बड़ी वड्डी आस है, यह कोई छोटी डिजायर नहीं है, कोई छोटी खाश नहीं है। यह तो रब नू वेख के रब होने की आस आ, तो उस क्योंकि जोत नू तो वह वेखे जिन्हों साहब ने कहा कि एवड़ ऊचा होवै कोए तिस ऊचे को जाना सोए, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करके कीती रात। जिहड़ा एडे वड्डे मजमे नू चला रहा है फिर निर्गुणिया उहदी ते मतलब हस्ती नू असीं किवें 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 आइडेंटीफाई कर सकते हैं। पर यह भी सच आ कि जे उहदे तक रसाई होनी ते उहदे वर्गे हो के होनी है, उहदे वर्गा किवें होवांगा। ये तो फिर उपराला किया जाए, वो भगती वो बंदगी वो जीवन जीण का ढंग तरीका वो तरीके कारता जिदे विच सोच करके इतना क पाक साफ उचेरा वडेरा सियाणा वो सब हुंदा जावा जिड्डा वो आप है, वो गहीर है, वो गंभीर है, वो रूढ़ है, वो सब रूपां दे विच पुगया होया है। सो साहब कहिंदे ये बहुत वड्डी आस है, कोई छोटी मंग नहीं गी, बड़ी वड्डी मंग है, बड़ी वड्डी इहदी उम्मीद आ। मैं इस आस दे नाल इस उम्मीद दे नाल जीरिया धरती दे उत्ते एक दिन मैं उस रंग नू माण सकांगा। मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावां, हौ जाए पुछां अपने सतगुरै गुर पुछ मन मुगध समझावां। मन मुगध मन मूर्ख है, ये बाणी अक्सर कहती है मन मूर्ख है। मूर्ख एक्चुअल लैवल ते की है कि जिदे च दो टेंडेंसीज आ जान, दो तरह की चीज आ जाए। एक ते जो कुछ है उहदे च तब्दीली ना लियाना चाहे मूर्ख होंदा, मूर्ख रिजिड होंदा। मूर्ख कहिंदा कि ना, जिवें भाई गुरुदास जी बयान कर दे कि सतगुर एक बेड़ा आ, तो उस बेड़े विच किसे नूं बिठाओ तो होए कि मूर्ख हो होएगा कि बेड़े विच बहाली है कुद पवै विच वहन तिंगाण है। सुगड़ा विच बैठिया आप सुगड़ होए वरती आण है, सुगड़ा मूर्ख जाणदा। मतलब है कि बोल विगाड़ उगड़ वखाणा है, उसनू तुसी सियाने च बिठाओ तो वह सियाने की गल ही ना सुने बल्कि अपनी बोले, कहे भी तू मेरी गल सुनते आप अपना आपा उगाड़ के विखाए इजहार विच लै तो पता लग जाए मूर्ख है। फिर कला ये नहीं गा जिहड़ी पहली एग्जाम्पल की थी कि बेड़े विच बहाली है उन्हें बेड़े च बिठाओ तो कहे नहीं 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 बेड़ा तो कितने समुद्र पार करेगा, मैं तो आप तर के पार करांगा। तुसी की समझते हो, तुसी कहो कि मूर्ख है, एवें भी कदी हुंदा आ। जिहड़ी साढ़े मन की दशा आ एक रिजिट लैवल दी है, ये कहिंदा कि आई नो एवरीथिंग,
आई डोंट हैव टू लर्न, आई डोंट हैव टू लिसन एनीबडी, वट एवर आई एम डूइंग, आई एम प्रोसेसिंग, आई एम थिंकिंग, दैट इज द बेस्ट थिंग. ये जिहड़ा रूप है मूर्ख दा आ, ते जो मूर्ख इस रूप दे विच अवस्था आ जाएगी उतो तो पार पैना बड़ा औखा आ. एक मैं क्या दो होंदियां ने, एक टेंडेंसी तो यह हैगी है. दूसरा मूर्ख वो यह है कि उदे अंदर ना उम्मीदगी हो जाए कि नो आई कैन नॉट चेंज, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, इट्स नॉट पॉसिबल. मूर्ख की यह भी अवस्था आ. मूर्ख नूं तुसीं जो मर्जी किस मर्जी तरीके दे नाल उन्हों कुछ देना चाहो, कुछ प्राप्त करवाण लई मदद करो, कहिंदे ना हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट, उन्हें उस चीज़ नूं एक्सैप्ट ही नहीं करना. सब कहिंदे कि मेरे इस मूर्ख मन की दशा यह दोनों रूपां च बन चुकी है. पर एक कमाल यह हो गई कि हों जाए पुछा अपने सतगुर है, गुर पुछ मन मुगध समझावा. जिहड़ा मुगध आ, जिहड़ा समझण वास्ते तैयार ही नहीं गा, पर हुण मेरे कोल बहुत सियाणा आ गया गुरु, तो उस गुरु सियाने कोलों मैं पुछ के इस मूर्ख मन नूं भी समझाण दे समर्थ हो रहा, उन्हूं मैं यतन कर रहा. इस रूप में जाणीए अंदर की दशा, जिवें नवा वरा चढ़िया है तो आप बड़े इस किस्म के फिलोसफिकल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे होवोगे या लोगों के लैक्चर सुन रहे होवोगे, तो लोग कहिंदे होणगे भी जस्ट बाय चेंजिंग द डेट नथिंग इज गोना चेंज इन योर लाइफ अंटिल यू आर नॉट रेडी टू चेंज बाय योर सैल्फ. कुछ भी नहीं बदलना जे तुसी आप अपने आप नूं नहीं बदलते. तो ठीक गल आ भाई, जे इहो ही गल हुंदी तो फिर तो पिछले वर्ष भी कुछ बदल जाना सीगा. आखिरकार फिर बदलाव का कोई तरीका तो होएगा. ये लिख तो हुंदा है कि बदलाव वास्ते एक जिहनूं असीं रेडीनैस कहिंदे आ, एक तैयारी कहिंदे आ, ये इमोशनस दे लैवल ते बहुत हुंदी है. जिवें माहौल बनिया आले दुआले विच लोग कहिंदे भी हाँ भाई नवा वरा आ गया, हाँ जी मुबारक सब कुछ, इस रूप विच नवीं शुरुआत जनवरी 2022 हो रही शुरू है, सा एक तरह का माहौल बन गया, एनवायरमेंट बन गया. उस एनवायरमेंट दे विच जे कोई हुण प्लानिंग करके तो कुछ बेबी स्टैप्स लैन लई तैयार हो जाए, तब्दीली पॉसीबल है, किसी तरह की भी तब्दीली पॉसीबल है. गुरु यही कह रहा है, जो तो गुरु का तरीका तुसी देखोगे ना, गुरु का मैथड जिहड़ा है, नानक सतगुर भेटे हैं पूरी होवे जुगत, गुरु जुगत सिखाउंदा है. तो गुरु जुगत ऐसी सिखाउंदा है कि जिहड़ी अपने आप चीज़ा होनियां शुरू हो जांदियां ने. जिवें सपोज करो सानू एक रहणी रहत सिखाई जाती है, सवेरे समय नाल बिस्तरे का त्याग करना, अर्ली बर्ड धरती ते मनिया गया. जिन्हां लोगों ने भी समाज विच चंगा जीवन जिया, कुछ तरक्की की, सिर्फ मायक पक्ष तो नहीं, सिर्फ पैसे दे पक्ष तो नहीं, रिश्ते नाते संबंध कैरियर जीवन दिया डिफरेंट डिफरेंट पोजैशनस पोजिशनस हर लैवल थे, उही लोग ने जेडे आलसी घट होए, उद्यमी होए. तो उद्यमी होने का मतलब अर्ली मॉर्निंग बिस्तरे का त्याग करना, फिर कला बिस्तरे का त्याग नहीं करना बल्कि अपनी सैल्फ केयर भी थोड़ी बहुत ही करनी. सैल्फ केयर डेफिनेटली फिजिकली हाइजीन का ख्याल करना, नहाना धोना कपड़े पाने चंगे, सब चीज़ा ये आदियाँ, ये तो बहुत वधिया गल है. पर इस तो भी एक पहला स्टैप आ, मैंटली अपने आप को क्लीन करना, मैंटल क्लिनजिंग ते काम करना. जो यहोजियां रावां ख्याल जिहड़ियां तकिया नूसी ने, जिहड़ियां किसी काम दियां नहीं गईयां, एवें इधरों उधरों पकड़ियां ने बदी दे रूप दे झाड़ू मारना. गुरु ने कहा चढ़दी सवेर रब दा नां जपिया कर, बाणी पढ़िया कर. ये एक्चुअल लैवल ते इनर क्लिनजिंग है, अंदर झाड़ू मारन वाली गल है. सो गुरु जुगत दसदा, तो जुगत भी ऐसी कि बस तुसी कुछ एक्टिविटीज़ दे अपने आप नूं लगांदे जाना है. देखना यह है कि वह एक्टिविटीज़ दे जरिए मन मुग्ध उस समझ नाल रिश्ता बनाई जा रहा है. महाराज बयान कर दे
हों जाए पूछा अपने सतगुरै, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा, गुरु नु पुछ के मुग्ध मन नु समझावा, इस क्रिया च लग गया। पूला मन समझा गुर शब्दी, हर हर सदा ते आए। बाकी ये भी गल है कि मन दी जात मुग्ध नहीं गई, मन दा अमल मुग्ध आ। मतलब ये इस तरह कह लो कि जेड़ा एदा ओरिजन आ, जो ये है ते जो ये हो सकता है असल विच, वो ते डिवाइन है, वो ते दैवी है। पर ये हैवान हो गया है। हैवान क्यों हो गया? क्योंकि इन्हों अपना डिवाइन भुल गया है। इस चीज तो ये मन टुट गया। इन्हों साहब ने कहा, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। बचन आया, भूला मन समझै गुर शब्दी। ये भुल गया ते भुली हुई दशा दे विच उन्हें एहसास ही नहीं कि मेरा असला की है। असी कई बार लिटरेचर विचों कुछ कहानी नुमा चीज़ा, कुछ गाथा रूपा चीज रूप चीज़ा पढ़ते हाँ। बयान आता है कि भारतीय खिते छोटिया छोटिया रियासतां ते उन्हां दे रजवाड़े होंदे सी। एक छोटी जी रियासत ते उहदा रजवाड़ा राजा, वडेरी उम्र हो गई, वडेरी उम्र तक विच आके बच्चे की प्राप्ति हुई, खास करके बेटा, तो बड़ा मोह आ गया क्योंकि पुत्र मोह साढ़े खिते बहुत ज़्यादा आया। वो भी कई कारण ने, कुछ कारण कस्टम्स विचों आ रहे ने, कुछ कारण रिलीजियस आइडियोलॉजी चो आ रहे ने, कुछ कारण समाज विच अपनी सर्वाइवल विचों भी आ रहे ने, क्योंकि मैस्कुलिन जेंडर मसल्स जेड़े ने ताकतवरी धरती ते जिएगा, तो फैमिनिन जेंडर दे बाबत क्योंकि उहदे च उन्नी ताकत नहीं गई उस रूप दे विच, ते कुछ कुदरत ने उन्हों बनाया भी एक वखरे रूप दे विच। खैर, पुत्र मोह दे विच बड़ा गलतान होया आ, जिहड़ा बहुत ज़्यादा मोह आ। कई वारी जिन्हां ते असीं बहुत मोह करदे हाँ उन्हां दी बैटरमेंट वास्ते हैल्दी नहीं हुंदा, बल्कि उन्हां दे ज़्यादा मोह करन करके असीं उन्हां दी जिंदगी खराब कर देने हाँ। खैर, जिहड़ी बेनती करन लगा सीगा कि ये हुण उहनूं बड़ा प्यार करदा आ, बड़ा फुल्लां दी तरह रखदा आ, पर कुदरत दी खेड आ, ताप संताप बीमार शुमार होना ये शरीरक तौर ते नाल नाल ही चलदा। किते ये बच्चा बीमार हो गया किशोरावस्था दे विच, कोई कह लो कि टीन एज चो लंघ रहा है, बीमार हो गया, बुखार काफ़ी ज़्यादा चढ़ गया। राजा सीगा, कुछ अपने कोल शाही हकीम वैद भी सीगे, बुला ले, बुला के उन्हें सारयां नूं उन्हें तमका दिता भी देखो मेरा बच्चा आ, ये बीमार हो गया, इन्हें बुखार चढ़ गया है, जे इन्हें सफर होया बुखार नाले किसी रूप दे विच ते तुहाडी खैर नहीं है, कोड़े लावांगा तुहानूं। क्योंकि कोई अजकल तुसीं कानून की गल करते हैं किसी खास लीगल वे दे नाल एक दूजे नूं ट्रीट करन वास्ते एक इक्वल ग्राउंड बनाया जाता है। हुण प्रोफेशनली कोई शख्स उहदा की फॉल्ट है जो कोई बीमार आ तो उन्हों कोई दवा दारू देनी हो अपने प्रोफेशन के तौर पर देगा, पर यह थोड़ा कि उहदे बदले च उन्हों तुसी पनिश करोगे, मारो कुटोगे। खैर, उन्हें धमकाया, धमके हुए वैद थोड़े ज़्यादा डर गए, डरिया होया ने जिन्नी क डोज बनती सी उस बीमार नू ठीक करन दे हालत, उस तो कुछ ज़्यादा दे दी, तेज दे दी। बुखार तो खैर एकदम लह गया, उहदा दिमागी तवाजन विगड़ गया, हुण उहदी यादाश्त गवाच गई, उहनू कुछ भी याद नहीं गा। हालत यह बन गई कि वह महल विच रह के भी महल तो बाहर भजदा आ, इधर उधर दियां गल्लां करदा आ, यह सब चीज़ां हो रही ने। खैर, वह राजा बड़ा दुखी है, पर हुण करे की, पैरा बिठाया आया, पहरेदार उन्हों हर वक्त पैरे च कितने महल चो निकल ना जाए, क्योंकि उन पता ही नहीं लगता उ जिधर मूँह हों तुरै जाता, उन्होंने एहसास ही नहीं घर है मेरा, मैं कौन हाँ, कुछ सब नीम पागल वर्गी हालत हो गई। खैर, वह कितने कितने पहरेदारा तो थोड़ा कित अवेसलापन हो गया,
वो महल चो बाहर निकल गया, निकल गया तो तुरदा गया। हुण यादाश्त याद तो कुछ है नहीं गा किसी रूप दे विच, तुरदा गया। छोटियां छोटियां रियासतां सी, रियासत की जिहड़ी बाउंडरी सी वही क्रॉस कर गया, दूजी रियासत वह भी क्रॉस कर गया, तीजी कर तो दूर निकल गया बहुत। हुण कुछ कुदरत का अपना निजाम आ, असी कुछ गल्लां भुल जाइए भी फलाना काम करना सी, कल रात याद किया सी अज फलाना बिल पे करना है, ये करना है, बाई चांस अज याद ही नहीं आया। शाम निकल गई, पता लगा ओ माई गॉश मेरा तो वीजे का बिल रहिंदा सीगा, वो ड्यू भी अज सीगा, अज तो पूरा दिन निकल गया, एक दिन की मैनू पेनल्टी पै जाएगी। यहो जी चीज़ा सन रोज़मर्रा जिंदगी होंदियाँ, ये याददाश्त हो जी असी आप चीज़ा याद करनिया होंदिया ने। कुछ कुदरत का अपना तरीका आ, जो कुदरत सानू अपने आप साढ़े विचों याद करवाउंदी रहिंदी। होया कि हुण तुरदा गया तुरदा गया, थक भी बड़ा गया तुरद्या तुरद्या, हुण शरीर की थकावट दिमाग नू पता लगती है मैं थक गया, ये तो हुण पता लग जांदा। फिर उत्थे ते फोर्सफुली वो राजे दे बंदे खवा रहे सीगे, राजा खवा रहा सीगा। हुण लगातार कुछ दिनों तो या कुछ समय तो नहीं खादा, भुख लग गई, हुण भुख का भी पता लगता भुख लग गई, ये तो याद आ जाता। जिस समय नूं बड़ी थकावट आ, बड़ा भुख लगी है, एक धर्म कोई मंदिर बनया बड़ा वड्डा, उहदे बाहर कुछ भिखारी गदाधर बैठे ने, तो उत्थे लोकी उन्हां नूं कुछ खाण लई दे रहे ने दान दे तौर ते, तो लै के खा रहे ने, भुख अंदर जोर पाया, जिथे लोग बैठे ने उत्थे जाके बैठ गया, किसी ने खाण लई हाथ ते पाया, चक के खा लिया, चलो जी भुख मिट गई। हुण आले दुआले तुरिया फिरदा, जदों भुख लगती फिर वापस आ जाता, उत्थे उत्थों आ के हथ करदा कुछ खाण लई दे दिंदा, खा लैंदा। खैर ये कई दिनों तक सिलसिला चलता रहा। उत्थे ही उस इलाके दे च कोई सियाणा हकीम वैद सीगा, वह भी अक्सर उत्थे आउंदा, लोगों कुछ खाण लई दिंदा उस तरीके नाल। अजो भी आया इत्थे, उन्हें देखिया ये बंदा नवा आ, अगे नहीं कदी देखिया। फिर उहदे कपड़े लीड़े देखे, कोई चंगे परिवार तो लगता है। खैर उन्हें उहदी बांह फड़ी, नफ्स देखी, अखां उखां मुआयना किया, उन्हें पता लगा बीमार है। तो खैर वह नाल लै गया, उन्हें दवाई दारू दिती, दवाई दारू दिती, कुछ दिन का ट्रीटमेंट किया, यादाश्त वापस आ गई। यादाश्त वापस आ गई तो पुछदा कौन है, कह लगा मैं राजकुमार हाँ, फलाने राजे का पुत्र हाँ। अच्छा ठीक है भाई, इंतजाम करो उत्थे पहुँचाण दा। चला गया वापस, राजा भी खुश होया भाई, उहदी यादाश्त वापस आ गई, वह ठीक ठाक होकर पार घर परताया। जदों उहनूं इह चीज़ होया, एहसास होया, तो कहिंदे कहानी नूं मैं बात लिखी पर समझ आई गई। वो जो मंदिर के बाहर दूजे सारे गदाधर भिखारी सीगे जिहड़े जिन्हां दे विच बैठ के, वह कुछ दिन मंगदा रहा, दिखांदा रहा, उन्हें अपने बंदे भेजे, तो सारे जिहड़े भिखारी सीगे वह सारे रथ च बिठा के लै आया अपने महल विच। उत्थे लिया के बिठा के उन्हें खाण लई दिता, तो उन्हें सारे नूं कहिंदा ओए भल्यो क्यों गवाचे फिरदे हो, याद करो किहड़े किहड़े राजे दे पुत्तर हो, आखिरकार मैनू भुल गया सी, मैं उत्थे चला गया सी, तुसीं वी लगदा भुल गए हो। है कहानी पर एहसास यह है, बंदे का मन भुल गया, मन ही भुल गया, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण। इत्थे महाराज बयान करते भूला मन समझ है गुरु शब्दी, ये भुल गया समझे किवें, जे गुरु का शब्द स्रोत होवे, गुरु का शब्द ये अंदर आवे। थे इसे लई बाणी पढ़द्या पढ़द्या, शब्द पढ़द्या पढ़द्या समझ आउंदी कि मैं वकारां विच रहना आ कि करतार दियां यादां विच रहना आ, मेरा जीवन वकारी होए कि निरंकारी होए ये मैं देखा, मैं गुणा दे नाल अपनी एसोसीएशन बनावा कि अवगुणा दे नाल अपने आप नूं जोड़ के जीवन बर्बाद कर लवा। गुरु शब्द ने दसिया गुणी तेरा मूल है, तू गुणी निधान विचों आया, तू करतार दा ही असल च रूप है, उहदा परछावां आ तू। बचन आया भूला मन समझा गुरु शब्दी, हर हर सदा ते आए, जिन्हों एहसास आया हरी सदा ते आए,
ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹਿ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਸੋ ਹਰ ਚਰਣੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਜਾਣੋ ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਆ, ਹਉ ਸਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਰੈਂਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ, ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਰੈਂਸ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਕੌਣ ਰੋਕਦਾ ਆ ਪਾਉਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ। ਸਿਮਰ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਿਮਰਨਾ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾਹ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵੱਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕੱਥ, ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਸੋ ਮਾਣਸ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੁਣ ਅਪਣਾਏ, ਸ਼ੁਭਤਾ ਅਪਣਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਨ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਤੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖੋਤਾ ਹੀ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਹਉ ਸਭ ਵੇਸ ਕਰੀ ਪਿਰ ਕਾਰਨ, ਜੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਭਾਵਾਂ। ਸੋ ਪਿਰ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਨਦਰ ਨਾ ਦੇਖੈ, ਹਉ ਕਿਉਂ ਕਰ ਧੀਰਜ ਪਾਵਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਵੇਸ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮੁਰਾਦ ਏ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਕਰ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਰਤ ਜਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਹ ਵਰਤ ਤੂੰ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਸੋ ਪਿਰ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਆਵਰਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਏ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਰਤੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਰ ਕਿਤੇ ਰੱਤ ਗਿਆ, ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਰ ਮੰਨਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਉਵੇਂ ਬਣ ਰਹੀ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਨ ਪਿਰ ਰਾਵੇੜਾ ਸੱਚ ਅਵਰਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਸਵਰਾ, ਉਹ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਨਾਨਕ ਧੰਨ 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 ਸੁਹਾਗਣ, ਜਿਨ ਪਿਰ ਰਾਵੇੜਾ ਸੱਚ ਸਵਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਲਿਆ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਪਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਸਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਪਿਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਅਲਾਹੀ ਅਗੰਮੀ ਵਾਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਿਓ, ਰਾਗੀ ਵੀ ਰਾਗੇ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ।
वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।